हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ पूजा सेतिया हमारा जो चैप्टर हम अभी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर जिसमें से हम टीएस एस ग्रेवाल की बुक से पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं 53 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज हम 54 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आपका जो है एक्यूमेट बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से काफ़ी सारे केसेस हमें इसके अंदर दिए हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर उसमें से कोई एक या दो केसेस जो आपकी पूरी पार्टनरशिप के जो चैप्टर्स हैं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से पहले वाले उसमें से कोई एक दो किसी भी क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देखो मैं फिफ्टी क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ 54 क्वेश्चन का ए पार्ट है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मुरारी एंड वोहरा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेश ऑफ थ्री टू टू वॉज इज अंडर आपको बैलेंस शीट यू है एसेट साइड में देखो इन्वेस्टमेंट दिया मार्केट वैल्यू वन लैख फोर्टीन थाउजेंड और आपकी जो साइड uh, में अमाउंट दिया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ये आपका कौन सा प्राइस होता है बुक वैल्यू होती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में डेफेट रिवेन्यू दिया सिक्स थाउजेंड लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व थर्टी थाउजेंड कंटीजेंसी रिजर्व दिए आपको ट्वेंटी सेवन हंड्रेड प्रॉफिट एंड लॉस दिए एटीन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया नाइन थाउजेंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया सेवेंटी टू हंड्रेड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्वेंटी थाउजेंड न्यू पार्टनर कृष्णा एडमिट हुआ है वन फिफ्थ शेयर ऑफ प्रॉफिट ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एसटीमेटेड फोर रुपीज नाइन हंड्रेड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट एक्ुमेटेड प्रॉफिट एंड अब देखो मैंने इस पे क्वेश्चन है जो 54 का ए पार्ट है मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके यहाँ पे बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया हमारा जो रूल होता है हमारी एक्यूमेटेड प्रॉफिट लॉसेस की लिस्ट होती है जो कि मैंने पहले आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे पहले इसमें एडमिशन में मैंने उसकी एक लिस्ट डाली थी आप शॉर्ट्स में भी जाके चेक कर सकते हो देखो हमारा जो भी कोई भी रिजर्व होता है जैसे जनरल रिजर्व कंटीजेंसी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर वर्कमैन कम्बन रिजर्व ये सारे जो होते हैं हमारे एक्यूमेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट्स होते हैं कोई भी चेंजेस होता है ये हमारी किसको देना होता है हमें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में देना होता है देखो जो लाइबिलिटी साइड होता है ना लाइबिलिटी साइड जितने भी केस होते हैं लाइबिलिटी साइड केस हमारी इस क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फंड है लेकिन वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो किसका होता है एम्प्लॉयज का होता है वो पार्टनर्स के लिए नहीं होता है तो यहाँ तक जितना भी आपका लाइबिलिटी साइड होता है वो कोई भी केस हो आपको आपको जर्नल एंट्री अगर करनी है तो हर केस में ये सारी चीज़ें रिजर्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं डेबिट हो जाते हैं क्या हो जाते हैं डेबिट हो जाते हैं अब हमारी जो मेन इंफॉर्मेशन नीचे बोली थी वो उन्होंने बोली थी कि वर्क मैन कंपेसन रिजर्व का जो प्रोविजन है जो नीचे हमें एडजस्टमेंट दी होती है इंफॉर्मेशन इसका मतलब होता है कि ये जो है आपको अभी ये जो नाइन हंड्रेड रुपीज़ बोले हैं ये आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखानी है जैसे मान लो हमें क्या करना है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्क मैन कंपेसन है हमें इसमें से नाइन हंड्रेड रख लेने हैं बाकी का जो डिफरेंस होगा वो हम पार्टनर्स को दे देंगे अब एक ये वर्कमैन रिजर्व का केस और दूसरा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आई होता है उसका केस उसके केस में आपको हमेशा जब भी आई होगा तो आप उसको डेबिट करने से पहले हमेशा कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आप चेक करोगे कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है जब कम हो रही होगी मार्केट में जो रेट चलता है वही हमें मानना पड़ता है मार्केट में जो रेट कम हो रहा है तो हम उसमें से उसको क्या कर लेंगे उतने लॉस को हम उसमें से यूज कर लेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हैं उनको हम जर्नल एंट्री में क्या करेंगे डेबिट करेंगे कोई भी आपका पार्टनरशिप का चैप्टर हो ये जो डिजोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म में थोड़े से डिफरेंट केसेस हैं उससे पहले कोई भी आपका चैप्टर है उसमें आपको क्या करना है डेबिट करना है अंटिल देअर इज नो एनी अदर इंफॉर्मेशन तो हम क्या करेंगे ए पार्ट में सबसे पहले क्या है जनरल रिजर्व तो हम इसको क्या करेंगे डेबिट कर लेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ बट आपको पूरा वर्ड लिखना है नेक्स्ट क्या है कंटीजेंसी रिजर्व कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट कोई भी रिजर्व हो कोई भी फंड हो आपको उसको डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लाइबिलिटी साइड में जो भी रिजर्व और प्रॉफिट होंगे उनको जनरल एंट्री में हमेशा हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं आई एफ आर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इसको भी हम डेबिट कर देंगे उसके बाद है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये हमारा एसेट साइड है उसकी अभी एंट्री नहीं करेंगे पहले हम लाइबिलिटी साइड वाले जो केसेस हैं उनको हम डेबिट करेंगे इन सबको हम क्या करेंगे पूरे पूरे अमाउंट से डेबिट कर देंगे जनरल रिजर्व कितना है थर्टी थाउजेंड कंटीजेंसी रिजर्व ट्वेंटी सेवन प्रॉफिट एंड लॉस एटीन थाउजेंड आई एफ आर नाइन थाउजेंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सेवेंटी टू हंड्रेड आपको दो केसेस में जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी कौन सा आपका आई एफ आर और वर्कमैन कंपनसेशन इसमें से अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है किस केस में आपको देखना है जब इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या होगा लॉस होगा प्रॉफिट के केस में हमें इसको नहीं नोटिस करना है प्रॉफिट के केस में पूरा का पूरा पार्टनर्स को ही जाता है जब इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हो रहा होगा तो उस केस में आपको नोटिस करना है कितना लॉस हो रहा है 120 की वैल्यू हमने लगाई हुई है और वन लैख फोर्टीन थाउजेंड की मार्केट में चल रही है तो सिक्स थाउजेंड का क्या हो गया लॉस हो गया तो उस केस में जब लॉस होगा तो उसमें से जितना आपके पास आई एफ है जितना आपको लॉस हो रहा होगा उतना आप उसको इन्वेस्टमेंट को दे दोगे तो हम क्या करेंगे यहां पर टू इन्वेस्टमेंट क्यों क्योंकि हमें यहां पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है एक सेकेंड टू इन्वेस्टमेंट यहां पर हम कितना देंगे इसको नाइन थाउजेंड का हमारा रिजर्व था कितना लॉस हो रहा है वन ट्वेंटी का था वन फोर्टी सिक्स थाउजेंड का तो यहां पर हम क्या करेंगे सिक्स थाउजेंड रुपीज उसको दे देंगे तो दैट मीन्स ये नाइन था उसमें से सीधा आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको सीधा क्या करोगे नाइन में से सिक्स उसको दे देंगे ठीक है बाकी जो हमारे थ्री थाउजेंड बेचेंगे वो हम पार्टनर्स को दे देंगे अब नेक्स्ट रहता है डब्लू सी आर हमें कितना रखना है डब्लू सी आर उन्होंने बोला था कि नाइन हंड्रेड रखना है जितना आपको रखना है इतना मीन्स उतना आपको लाइबिलिटी साइड में रखना है लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट होता है तो टू यहाँ पे लिख दो कि टू प्रोविजन भी लिख सकते हो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ठीक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना रखना है हमको नाइन हंड्रेड यहाँ पर आप जो इन्वेस्टमेंट वाला था आप इसमें यहाँ दिखा सकते हो कि ये सिक्स थाउजेंड कैसे आया है वन लैख ट्वेंटी का हमारे पास प्राइस था उसमें से वन लैख फोर्टीन थाउजेंड का हमें न्यू प्राइस था तो इसका डिफरेंस जो है हमने वहां पे सिक्स थाउजेंड उधर दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें कितना रखना है नाइन हंड्रेड अब बाकी का जो है इनसे तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें से हमने चेक कर लिया जितना इसमें से हमने इन्वेस्टमेंट को देना था दे दिया जितना आपको न्यू रखना था रख लिया अब बाकी का जितना भी टोटल है जितना भी बच जाएगा वो किनको मिल जाएगा मुरारी और वोहरा को तो हम क्या करेंगे यहां पे लिख देंगे टू मुरारी कैपिटल अकाउंट एंड टू वोहरा कैपिटल अकाउंट हाँ। या नरेशन लिखेंगे हम किस चीज की हम एंट्री कर रहे हैं हम बींग्यूमलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस इनको मिलेगा अब हम टोटल करते हैं ये तो देखो थर्टी पूरा आएगा ट्वेंटी सेवन भी पूरा आएगा यहाँ पर हम टोटल करते जाते हैं यहाँ साइड में कर लेते हैं थर्टी थाउजेंड का कोई चेंज नहीं था ट्वेंटी सेवन का भी कोई चेंज नहीं एटीन थाउजेंड का भी कोई चेंज नहीं इसमें से नाइन में से, से हमने सिक्स दे दिया था तो कितना रह गया पार्टनर्स के लिए थ्री थाउजेंड सेवेंटी टू हंड्रेड में से नाइन हंड्रेड इसको दे दिया कितना रह गया सिक्सटी थ्री हंड्रेड इस ये सारा जो टोटल होगा पॉजिटिव में बचा ये इन पार्टनर्स को इनकी ओल्ड रेशो में हम बांट देंगे इनको हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा सिक्सटी थाउजेंड तो हम सिक्सटी थाउजेंड को इनको दे देंगे सिक्सटी थाउजेंड रेशो क्या है हमारी थ्री इज टू टू तो इसको काटेंगे तो इसके बैलेंस में आएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड और इसको मिलेगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये ए पार्ट आपको सारे रिजर्व एंड प्रॉफिट दिए थे जिसकी इंफॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड हमने उतना शिफ्ट कर दिया जो अमाउंट बच गया बैलेंस उसको हमने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया अब मैं इस क्वेश्चन का फिफ्टी फोर का ही बी पार्ट रीड कर रही हूँ आप भी देख लो ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ सिक्स इज टू थ्री इज टू वन दे टेक डी इंटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी विल बी थ्री थ्री वन दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री आपको दिए बुक वैल्यूज दिए जनरल रिजर्व की वन फिफ्टी थाउजेंड कंटीजेंसी रिजर्व सिक्सटी थाउजेंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिए नाइन्टी थाउजेंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू पार्टनर करंट अकाउंट अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 54 का जो बी पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस सेशन में नया क्वेश्चन ऐड ऑन हुआ है लास्ट ईयर तक आपके ऐसे क्वेश्चन एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ में ऐसे क्वेश्चन नहीं थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चैप्टर थे उससे उसमें क्या होता था कि नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा बट इसमें एडमिशन में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है और आपको क्या बोला है यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री का मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बताया था एडजस्टमेंट एंट्री का एक ही रूल होता है आपको बस माइंड वही रखना है कि नेगेटिव वाला पार्टनर क्या होगा डेबिट होगा और पॉजिटिव वाला पार्टनर जर्नल एंट्री में क्या होगा क्रेडिट होगा मैं आपको फिर भी नोट डाउन कर देती हूं ये नोट डाउन करो एडजस्टमेंट एंट्री में जब भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको क्वेश्चन में बोले किसी भी चैप्टर में ये क्वेश्चन हो चेंज इन प्रॉफिट शेयर एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ एडजस्टमेंट एंट्री का एक रूल होता है आपको क्या करना है जर्नल एंट्री में एंट्री करनी है आपको तो नेगेटिव वाला पार्टनर क्या हो एक नेगेटिव आएगा और दूसरा क्या आएगा पॉजिटिव है अगर दो पार्टनर्स हैं तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सेम अमाउंट से अगर दो तीन पार्टनर हैं तो दो नेगेटिव दो आएंगे और एक पॉजिटिव है मतलब आपको कोई भी पार्टनर हो नेगेटिव वाला जब आएगा तो उसको जर्नल एंट्री में क्या करना है डेबिट करना है और जब पॉजिटिव आएगा उसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट करना है आपको किसी भी चैप्टर में आपको कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगी ये मेरा क्या है पहला रूल है कि आपको जो आपको जो मेन एंट्री करनी है दूसरा रूल अब आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है सेकेंड आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है फॉर्मूला क्या होगा आपको फॉर्मूला दो होती हैं या तो होता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने पहले बता चुकी हूँ चेंज इन प्रोफेशन रेशो में दोबारा बता रही हूँ या तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशो आपको जब एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी जैसे आपको ये बैलेंसेस दिए हैं तो आपको उसमें एक बैलेंस निकालना होता है एक सिंगल अमाउंट निकालना होता है वो या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा अगर वो पॉजिटिव आप पहले एक टोटल अमाउंट निकालोगे तो उसके बिहाफ पर आपको इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो अच्छे से ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है मैं फिर भी नोट डाउन कर देती हूँ यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो और गेनिंग रेशो का क्या होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेश पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है तभी आप जर्नल एंट्री करने में टाइम नहीं लगता है बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए पहला रूल कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो आपको एंट्री में आपको क्या करना है जिस पार्टनर का आ, जो शेयर आएगा इन दोनों के फॉर्मूले के भी हाफ पर नेगेटिव वाले पार्टनर को हमें डेबिट करना है और पॉजिटिव वाले को क्रेडिट करना है दूसरा अमाउंट कि आप इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे एक सिंगल अमाउंट निकालेंगे सिंगल अमाउंट कैसे निकलेगा या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा जब आपका पॉजिटिव अमाउंट आएगा जब आपका पॉजिटिव अमाउंट आएगा कौन सा अमाउंट आएगा पॉजिटिव में तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाओगे और जब आपका नेगेटिव में अमाउंट आएगा जब आपका नेगेटिव अमाउंट आएगा तो आप गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाओगे वेरी सिंपल अब हम क्या करेंगे हमें इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी अब हम क्या करेंगे इन्हीं में इसी पे क्या करेंगे टोटल निकालेंगे मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ देखो एक टोटल निकालेंगे हमें पता लगेगा या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ जनरल रिजर्व रिजर्व कोई भी हो कौन सा होता है पॉजिटिव होता है कंटीजेंसी रिजर्व पॉजिटिव प्रॉफिट एंड लॉस का उन्होंने स्पेशल मेंशन किया था शायद क्वेश्चन में बोला था कि क्रेडिट है और अगर आपको क्रेडिट नहीं भी लिखा है तो भी क्रेडिट होता है अगर डेबिट होगा तो वो मेंशन करेगा डेबिटिक का मतलब क्या होता है डेबिट का मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है क्रेडिट होता है अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट है उन्होंने बोला है कि क्रेडिट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि डेबिट है और वैसे भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है नेगेटिव होता नेगेटिव होता है डेबिट है तो क्या होगा नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स हमारे तीन पॉजिटिव अमाउंट है और एक नेगेटिव है अब इनकी टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं अब हम यहां पे करेंगे देखो जनरल रिजर्व प्लस का वन लैख फिफ्टी थाउजेंड कंटीजेंसी रिजर्व प्लस का सिक्सटी थाउजेंड प्रॉफिट एंड लॉस प्लस का नाइन्टी थाउजेंड यहां तक हमारे क्या थे तीनों पॉजिटिव थे इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं वन फिफ्टी प्लस सिक्सटी टू लैख टेन थाउजेंड टू लैख टाइन क्लियर से advertisement suspense का कर कर देते हैं। advertisement suspense को क्या कर देंगे कर देंगे। कितना है 120, अब प्लस, माँणस, माँणस होता है। बट साइन किसका लगता है bigger नंबर का bigger नंबर के आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव का साइन है थ्री लैख में से वन ट्वेंटी माइनस करेंगे वन लैख एटी थाउजेंड आ गया पॉजिटिव का तो अब मेरा पॉजिटिव का में आया आया तो तो हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव अमाउंट ना तो positive में मैं कौन सा कामूला लगाऊंगी सैक्रीफाइज रेशो का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी सेक्रीफाइजिंग रेशो का हमारे पास ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है हम चारों का ही हम चार पार्टनर्स हैं चारों के चारों पार्टनर्स का हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे हम यहीं पर कर लेते हैं देखो ए का बी का सी का और डी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों की मोस्टली इसमें मिस्टेक हो जाती है ए का ओल्ड क्या है सिक्स बाय टेन इसका थ्री बाय टेन इसका वन बाय टेन डी का तो ओल्ड जीरो है क्योंकि ये नया आया था न्यू माइनस कर देते हैं इसमें न्यू क्या है थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री नाइन प्लस वन टेन तो इसका थ्री बाई टेन इसका भी थ्री बाई टेन इसका भी थ्री बाय टेन और इसका वन बाय टेन क्लियर अब दोनों का नीचे में हम जब रेशो निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे माइनस कर सकते हैं सिक्स माइनस थ्री थ्री बाय टेन थ्री माइनस थ्री जीरो वन माइनस थ्री माइनस टू बाय टेन इसका जीरो तो ये जीरो ही है इसका माइनस वन बाय टेन अब देखो ये क्या आए नेगेटिव है ये दोनों क्या है नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है अब मैंने हम इससे हमारी एंट्री बन जाएगी हमारा रूल क्या है नेगेटिव वाला जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला क्रेडिट हो जाएगा अब नेगेटिव कौन है ये दो हैं सी और डी हम क्या लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट मेरा मार्कर नहीं चल रहा चेंज कर लेते हैं इसको सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और कौन था डी डी कैपिटल अकाउंट डेबिट ये दो नेगेटिव है इसका तो जीरो आया ए का पॉजिटिव आया तो टू ए कैपिटल अकाउंट अब यहां लिखेंगे हमने किस चीज की एंट्री करी है एडजस्टमेंट एंट्री यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ एक्मलेटेड रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस हमारी एक मिस्टेक हुई है इसमें मुझे याद आ गया क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था कि आपको कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज करने हैं करंट अकाउंट यूज करने है मुझे एकदम याद आ गया तो हम यहां पर क्या लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डीज करंट अकाउंट इज करंट अकाउंट अब हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे बहुत इजी तरीके से अमाउंट डालेंगे देखो कैसे सी का क्या आया था नेगेटिव कितना आया था टू बाई टेन तो यहाँ पर मैं टू बाई टेन लगाऊंगी जो मैंने एक सिंगल अमाउंट निकाला था कौन सा निकाला था वन लैख एटी थाउजेंड बस यहाँ पर वन लैख एटी थाउजेंड उसी को हम कट करेंगे तो इसका कितना आ गया थर्टी सिक्स थाउजेंड डी का कितना आया था वन बाय टेन तो यहाँ पर वन बाय टेन वही सेम अमाउंट जो हमने निकाला था कट करो इसका आ जाएगा एटीन थाउजेंड अब या तो का इन दोनों को प्लस करके इसमें डाल दो या फिर जो उसका शेयर है थ्री बाय टेन है तो यहाँ पर क्या करो वही सेम थ्री बाय टेन वही सेम अमाउंट जो हमने निकाला था वन एट्टी फिफ्टी फोर थाउजेंड अगर आप इसको प्लस भी करोगे तो भी आपका फिफ्टी फोर थाउजेंड आएगा ये हमारा चेंज इन प्रोफिशिंग रेशियो वाला जैसे चैप्टर हमने किया था ना सेम उसी का हंड्रेड एंड वन परसेंट आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है चेंज इन प्रोफेसिंग रेशियो में से फोर टू सिक्स मार्क्स की वेटेज होती है अब एडमिशन रिटायरमेंट में ये नया क्वेश्चन ऐड ऑन हुआ बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं इसके आप ये नोट डाउन कर लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप ठीक है तो आपको इसी रूल से किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो आप इसी रूल से क्वेश्चन करोगे आपकी एंट्री एकदम एग्जैक्ट जाएगी अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में फिफ्टी का ए और बी पार्ट में से कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आया कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना उसका सोल्यूशन हम दे देंगे